तो है फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो फिलहाल में अभी हम लोग हैं बिहार शरीफ में, और बिहार शरीफ में एक डिलीशियस और सबसे खूबसूरत जो प्रीमियम और होटल का बात है, रेस्टोरेंट का बात करें तो मोती महल करके कुछ नाम करके खुला है, जो अभी तक जहां तक बिहार शरीफ के लोग से रिव्यू में रहा, खाना का और इंटीरियर का बहुत सुंदर और मतलब लाजवाब इसका रिव्यू में रहा। तो हम लोग को भी आज इन्वाइट है कि आइए आप लोग भी एक बार खाना टेस्ट कीजिए और साथ में रिव्यू दीजिए कैसा खाना है जो, और इसका इंटीरियर कैसा है, जो बर्थडे मना सकते हैं या यहाँ पर वीकेंड सेलिब्रेशन कर सकते हैं नहीं जो। तो हम लोग भी जाते हैं और उसका रिव्यू देखते हैं, खाना का जो भी हो मिलते हैं देते हैं। और साथ में अभी थोड़ा सा आवाज़ है जो लड़खड़ा रही होगी क्योंकि 2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, 2 दिन से रेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज कुछ तबीयत ठीक हुआ। तो मिलते हैं मोती महल के पास। खाली का आज अभी हम लोग मोती महल के पास, और पीछे देख सकते हैं कि मोती महल डिलैक्स जो प्रीमियम है यहाँ का जो रेस्टोरेंट खुला वहाँ पर है। और ये जो इसका लोकेशन की बात करें, इसका लोकेशन है रांची रोड में, और साथ में श्री लेदर के पास बगल बोले या लक्ष्मी पेट्रोल पंप के पास बगल में इसका लोकेशन है। आप लोग भी आइए विजिट कीजिए। और तो अभी हम लोग चल ही रहे हैं, कैसा जो रिव्यू होता है आप लोग रिव्यू देते हैं। पहली गाइस आइए मोती महल जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग को जो बोर्ड होता है वहाँ पर आप लोग को लगा हुआ मिल जाएगा। हाल में हम लोग हैं मोती महल के अंदर, और इसका इंटीरियर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है जो, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आवाज़ है जो बैठ रहा हुआ क्योंकि भाई थोड़ा सा तबियत खराब है। और पीछे यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी जो थीम लगाया गया, जो थीम बेसिस पर काम किया गया बेहद ही खूबसूरत है। और साथ में कुछ सिनेमैटिक शॉट आप लोगों को दिखाते हैं। मोती महल के अंदर और देख सकते हैं कि हम लोग को वेलकम किया गया मॉकटेल से, और साथ में एक गुलाब रहा, और साथ में आर्टवर्स का शीश भी है, और इधर टेबल विद विवेक। साथ में इसको एंजॉय करते हैं और स्वाद का भी फीडबैक जरूर करते हैं। बात करें मोती महल का तो आप यहाँ पर इंटीरियर देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत है, जैसे आप लोग मैंने सिनेमैटिक में दिखाया। यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा रिसिप्ट काउंटर या बोले कैश काउंटर, और साथ में इधर है आप लोगों को किचन मिल जाएगा, किचन का भी व्यू दिखाएंगे। और साथ में यहाँ पर बैठने के लिए खूबसूरत और बहुत बड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर आप लोग बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी और वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। साथ में आप लोग को लेके चलेंगे इधर जो अभी का सबसे ट्रेंड चल रहा है, इधर आप लोग को मिल जाएगा मॉकटेल के लिए। यहाँ पर आइए या तो मॉकटेल एंजॉय कीजिए, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। जैसे साथ में भी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ है अभी ट्रेवल विद विवेक। हेलो भाई, मॉकटेल एंजॉय कर रहे हैं तो इनसे पूछते हैं कि इसका स्वाद कैसा है जो। भाई जी इसका स्वाद कैसा है? मॉकटेल का टेस्ट डिलीशियस है। आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का कीवी कलर का दिया गया है, और इसमें जलजीरा फ्लेवर है, और पीने का बहुत अच्छा फ्लेवर लग रहा है। और मेरे को थोड़ा सर्दी भी लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे एंजॉय कर रहा हूँ, और बट एंजॉय कर रहा हूँ। भाई वेदर ऐसा है कि विंटर सीजन चल रहा है, थोड़ा सा तो तबियत खराब हो ही जाता है। मेरा भी देख रहा है कि आवाज अभी पूरा बैठा हुआ है। आइए थोड़ा सा मॉकटेल के पास लेके चलते हैं। हाल में अभी आते हैं मॉकटेल सेंटर, जहाँ पर मॉकटेल के लिए बनाया गया है। देख सकते हैं कि खूबसूरत सा इंटीरियर दिया गया है, और जितना भी है पर्टिकुलर जितना भी चीज़ रखा गया है साफ सफाई के अनुसार रखा गया है। तो आइए भैया से पूछते हैं कि इसके बनाने में क्या कैसे लगता है और क्या क्या चीज़ दिया जाता है। जो अभी जो आप लिया वो था केवीएस पार्क में हम केवीसी सिरप यूज करते हैं, चाट मसाला यूज करते हैं, और आपका जीरा रहता है, सॉल्ट पेपर रहता है, लेमन रहता है। ठीक है, तो उसका मॉकटेल का जो बनाते हैं भैया का है वो सिनेमैटिक डालते हैं। आइए एंजॉय कीजिए। और साथ में एक बार जरूर ये मोती महल जो बना है बिहार शरीफ में पहली बार ऐसा कुछ इंटीरियर के साथ और ऐसा खूबसूरत बना है, तो आइए आप लोग यहाँ एंजॉय कीजिए। और साथ में एक बार फैमिली के साथ भी वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। आते हैं तो हर लोग का ये सेपरेट या प्राइवेसी के साथ। तो आइए आप लोग दिखाते हैं कि इसका जो केबिन वाला जो डोर बनाया गया है वो कैसा है। तो अभी हम लोग केबिन वाला में और अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेपरेट है, पूरी तरह से पूरा प्राइवेसी के साथ सेपरेट केबिन बनाया गया है। इसका भी इंटीरियर बेहद ही खूबसूरत है और साथ में भाई बात करें इसका बेहद ही खूबसूरत है, आप इंटीरियर चेक भी कर सकते हो। और भाई देखो यहाँ पर साथ में जो लाइटिंग किया गया है वो भी बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर देख सकते हैं डिशेस रखा गया है जो भी होता है। और मोती महल ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं ये फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट है और इसका जो ओपनिंग है सबसे पहला जो रेस्टोरेंट खुला था 1920 में, आज़ादी का पहले का ये रेस्टोरेंट है, फ्रेंचाइजी है। आइए बिहार शरीफ में खुला तो भाई आप लोगों को आना चाहिए और इसको जो डिलीशियस फूड है उसको ट्राई कीजिए और इसका जो सर्विस है उसको इंजॉय कीजिए। और साथ में यहाँ पर साफ़ सुथरा का बात रखा जाता है तो बेहद साफ सुथरा, बहुत बड़ा स्पेस दिया गया है जो आप डिनर हो या इवनिंग जो भी खाना है आप खा सकते हैं, डिलीशियस फूड के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बर्थडे फंक्शन इंजॉय कर सकते हैं और कोई भी वीकेंड फंक्शन होता है सारा चीज़ यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए कुछ सीन तो फाइनली का जैसा कि हम लोग ने सारा इंटीरियर और इंटीरियर जो भी होता है वो दिखाया और सामने देख सकते हैं ये रहा खूबसूरत सा मोती महल का मेन्यू। तो आइए कुछ मेन्यू में ट्राई कर लेते हैं और इसका देख सकते हैं जो भी प्रिंटिंग प्रेस किया गया है वो बहुत खूबसूरत है। और जैसे कि कुंदन लाल गुजराल जो पार्ला रेस्टोरेंट का ऑनर थे, ये फ्रेंचाइजी का ऑनर बोल सकते हैं यही थे। और यहाँ पर देख सकते हैं साथ में मॉकटेल आप लोग को दिखाया भी और ये सब देख सकते हैं डिलीशियस फूड का है जो यहाँ पर आप लोग को मेन्यू में सारा चीज़ लिखा हुआ है, कहीं इंजॉय कीजिए, खाना खाइए और जो भी होता है देख सकते हैं सारा चीज़ बेहद खूबसूरत, बेहद स्वादिष्ट। और यहाँ पर जो अभी है तो साथ में आप खाना भी इंजॉय करते हैं। उसके पहले हो सके आप लोग को किचन दिखा देते हैं। फिलहाल का चलते हैं मोती महल के जो अंदर जो किचन है कैसा साफ सुथरा है और क्या क्या जो बनाने वाले लोग आए सबसे मिलाते हैं। तो आइएगा। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग चलते हैं किचन के अंदर, आइए और किचन के अंदर इंजॉय कराते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा चीज़ सेपरेट रखा गया है, जैसे नॉनवेज के लिए अलग क्योंकि अभी भाई फेस्टिवल टाइम चल रहा है और वेज के लिए अलग। और जो आइए भैया हेड से जानते हैं कि यहाँ के जो साफ़ सफाई और सारा चीज़ जैसा आप देख रहे हैं कि साफ़ सफाई का पूरा पुख्ता व्यवस्था रखा गया। और भैया कुछ बताइए आप यहाँ पर जो वेज है और नॉनवेज है उसका क्या क्या कैटेगरी रखा गया, जो वेज का इधर है नॉनवेज का इधर है, सारा चीज़ में वेज और नॉनवेज, यहाँ पर वेज और नॉनवेज के लिए सारा चीज़ अलग रखा हुआ है। साथ में यहाँ से एयर निकलने के लिए पूरा चिमनी लगाया गया कि सब कैसे ना हो और जो साफ़ सफाई का रखा गया तो आप देख सकते हैं। और भेज और नॉनवेज के लिए जो डिशेज भी है जो अलग अलग रखा और साथ में जितना बर्तन जो बोलते हैं हम लोग वो भी साथ में अलग अलग रखा गया। और जो काम करने के लिए कहाँ से आए थे, काम करने के लिए उत्तराखंड से आए हुए हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, 14-15 साल के भैया का एक्सपीरियंस है। तो भैया आइएगा तो स्वादिष्ट खाना मिलवे करेगा, 15 साल का खाना बनाए हुए हैं सारा लोग का, सारा लोग उत्तराखंड के हैं, सारा लोग उत्तराखंड के हैं। साथ में देख सकते हैं कि ड्रेस का बात करें, ड्रेस कोड के साथ है और साफ सफाई तो आप देख ही सकते हैं। थोड़ा सिनेमैटिक शॉट आप उन लोगों को लेके चलते हैं। तो सर बताइए कि कैसा आपको बटर चिकन और क्या ट्राई कर रहे हैं सर? चिकन लॉलीपॉप इन्होंने स्टार्टर में आया था, मेन कोर्स में बटर चिकन और नान, बटर नान लिए। सर आप बताइए कैसा टेस्ट आपको लगा? टेस्ट ठीक है, अच्छा है, टेस्ट ठीक है और बटर चिकन तो बहुत अच्छा है। सर एक होता है कि टेस्ट हर जगह मिलता है लेकिन साइज और क्वांटिटी नहीं मिल पाता है। ये अभी मैं कहने वाला था, क्वांटिटी ज़्यादा ठीक ठाक है, क्वांटिटी ठीक है और बटर चिकन भी अच्छी है और ये नान भी अच्छी है। तो यार पब्लिक रिव्यूज़ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा पब्लिक रिव्यूज़ है इनका कि क्वान्टिटी और क्वालिटी में भी बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कहीं और। तो फाइनली गाइस हमारा जो स्टार्टर पैक है वो आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पनीर का आइटम है और इधर कुछ नॉनवेज आइटम है। तो सारा का टेस्ट करते हैं, उसके बाद आप लोग को रिव्यू देते हैं। और भाई यहाँ पर जो साफ़ सफाई का जो सुविधा था बहुत अच्छा था, आप लोग भी आइए साथ में यहाँ पर इंजॉय कीजिए, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। हम लोग खाते हैं। ये दाल मखनी है, देख सकते हैं आप, दाल मखनी है और ये बटर चिकन। और बटर चिकन का मैं आपको दिखा दूं, साइज वगैरह आप देख सकते हैं आप और सारा कुछ ऊपर। तो फाइनली का जो भी स्टार्टर पैक था, सारा पनीर का आइटम हो या भेज हो या नॉनवेज हो, सारा था जो स्वादिष्ट था। और अभी देख सकते हैं कि अभी मेन कोर्स आ गया इधर जो भी है जो नॉन वेज करी है क्या क्या है बताइए थोड़ा सा। ये बटर चिकन है, ये बटर चिकन है, कढ़ाई पनीर है, और ये दाल मखनी, और ये आटे वाली रोटी, ठीक है, तंदूर में लगाया गया है आटे वाली रोटी, और ये आप वेज बिरयानी, वेज बिरयानी। ये क्या है? ये भी दाल मखनी है, दाल मखनी है। और इधर देख सकते हैं पनीर का आइटम है, और ये इसका भी बताते हैं, जब स्वाद चख लेते हैं तो इसका भी बताते हैं कि कैसा है नहीं है जो, लेकिन इसका भी जो भी मेन कोर्स था ये रहा, और जो स्टार्टर पैक था वो बेहद ही स्वादिष्ट था। आइए आप लोग विजिट कीजिए और एक बार ट्राई करके देखिए, और साथ में गूगल पर भी रिव्यू दीजिए कि कैसा लगा जो। तो फाइनली गाइस यहाँ का जितना भी खाना था डिलीशियस था, जितना भी खाना था बहुत स्वादिष्ट था। सारा खाना हम लोग ख़त्म कर दिया। फिलहाल में और लोग भाई लोग से रिव्यू लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितना भी खाना था ख़त्म था, चाहे मेन कोर्स हो या स्टार्टर कोर्स हो या मॉकटेल हो, जितना भी था सारा डिलीशियस था। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने पूरा जितना भी यहाँ का खाना का डिलीशियस फूड था ट्राई किया, सारा खाना भाई स्वादिष्ट था। एक बार आप भी अगर बिहार शरीफ से है या नज़दीकी से है तो एक बार आप मोती महल के विजिट कीजिए फैमिली के साथ वीकेंड में या होप फेस्टिवल में आके एक बार खाना यहाँ का ट्राई कीजिए। और यहाँ का पीछा देख ही सकते हैं कितना बड़ा इंटीरियर रखा गया खाने के लिए, बैठने के लिए कितना अच्छा बनाया गया जो, और साथ में फोटो सेशन के लिए यहाँ बनाया गया, और साथ में पहले भी दिखाया कि यहाँ प्राइवेसी के साथ बनाया गया है अगला कॉटेज जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, बाथरूम हो या कुछ भी, सारा चीज़ एक नंबर था। आप लोग भी आइए विजिट कीजिए। तो तब तक के लिए करते हैं वीडियो खत्म। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मोती महल का सर्विस कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा।